दोस्तों नमस्ते, आज हम आप बनीगांव जा रहे हैं और बनीगांव के अंदर हमारी बड़ी बालिका है। दोस्तों नमस्ते, आज हम बनीगांव जा रहे हैं और बनीगांव के अंदर जो बासाब है गुरुजी शंकरलाल जी, उनके यहाँ हमारी एक बड़ी बालिका है जो उसका हाथ में ठंड में सुन पड़ता है, तो उसके ना आने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे घर से भी जा रही है साथ में, और हमारी ये जो बड़ी बालिका है ये मनु, इसका भी पैर में हाथ में दर्द होता है, तो इसके उदयपुर में भी MRI करी, वहाँ ठीक नहीं हुई। तो मैंने कहा कि अपन गुरुजी के वहाँ चलते हैं जो उसको दिखाते हैं। तो हमारे साथ में हमारी एक छोटी बालिका शिवानी और ये एक छोटी बालिका है हमारी मिस्ती, तो हमारा पूरा परिवार को आज गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं दोस्तों, और आपको भी आज गुरुजी के दर्शन कराएंगे और वहाँ पे बनी जाने के लिए सरल रास्ता का दर्शन कराएंगे कि आप शामगढ़ आओ। रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर बनी गाँव पड़ता है दोस्तों, जहाँ गुरुजी हाथ पैर की नसें वो बिठाते हैं और कोई नस सुन पड़ जाती है उसको भी सही करते हैं, और साइटिका की बीमारी होती है वो भी सही करते हैं। अब गुरुजी के पास में हम जा रहे हैं और आज दिनांक 13/11/2022 के दिन हम निकले हैं, और आज का वीडियो बना के और गुरुजी के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो बाहर निकलेंगे ना, क्या मुझे तो देवल टैबलेट गाँव है नी के आगे एक और है, ठीक है। दोस्तों आज हम आपको भैंस के दर्शन करा रहे हैं, और ये भैंस कितनी जोरदार है। भैंस दिखा देखा दोस्तों, ये भैंसे कितनी प्यारी प्यारी भैंसे। दोस्तों आज भैंसों की मेहरबानी से अपन सब है ना, सब जिंदा है, क्योंकि भैंस दूध देती है और दूध देने के बाद अपन इनका दूध पीते हैं। राम राम दादो। अरे बनी कथा दूर हो रे, अच्छा भैंसा चरेली के चरानी, अबे चरानी, राम राम भैंस, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और चॉकलेट गाँव, हाँ और बढ़िया। मैं शामगढ़ रहा हूँ, जीतू भाई वाला डीजे वाला की दुकान है अपने शामगढ़ में। राम राम काका जी, काका जी भी दो, काका जी भी दो, लो काका जी भी दो चॉकलेट दो। क्या तक फिर बनी जा रहा हूँ और वहाँ पे शंकरलाल जी बासा के पास जा रहा हूँ। अच्छा ये हाथ पैर मसरे जोरदार काम है, अच्छा बच्चों कौन है, अच्छा अच्छा काम करे, अच्छा पहला भी क्यों तो होना के पास आ, 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 तो वहाँ कोई इलाज विलाज ठीक है, तो मैंने वहाँ की जानकारी ली नहीं, तो वहाँ ने क्यों हाथ पैर की साइटी का है और यूँ नस वस सब बढ़िया बिठावे। आप तो चीजों में था कि समाज करते तुझे चंद्र पर मुझे बात आई है यहाँ। अच्छा 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 मैं जल्दी कर रहा हूँ, चला देखो बकरियाँ। दोस्तों बकरिया का राम राम काका जी, ये बकरियों का दूध पीने से 36 तरह की फत्तियां खाती है। ओ ये तूतू आ गया, तूतू आ गया। बिस्तुनिया गांव है, इस बिस्तुनिया गांव, अब बिस्तुनिया गांव में हम चाय पियेंगे काका जी के यहाँ, अब चाय का लंच करेंगे। वाह साहब, काका जी राम राम। तो मैं बीमार बस मान चाहिए बस बनी गाँव में, बस साहब काम कैसे कैसे है। अच्छा हाँ थोड़ा दूर है, हाँ बन गए साहब। हाय 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 बस आपने चाय पी के नहीं पी है, कब मैंने चाय पी, बस क्यों बेटा तेने चाय पी। अब जाएंगे अपन सीधा टूर पे, बनी गाँव जाएंगे, वहाँ का भी आनंद लेंगे। भाई साहब नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप कहाँ से आ रहे हो? शामगढ़ से। अभी कहाँ से आ रहे हो? ये भी बासाब के यहाँ से, नस मसलने वाले। नस वाले कौन मसलने के लिए गए थे? ये पीछे भाई बैठे हैं, भाई राम राम भाई। ओ जैन आ गया, हाँ खोलो ये खोलो, हाँ खोलो ना खोलो ये, हाँ ये। अरे कैसे कैसे क्या था भाई, बनी गाँव क्या था? हाँ बनी गया था। अच्छा कहीं बताओ था क्या था? कमर बताओ की थी, घना साल हो गया कमर के दर्द कर रही। अच्छा तो बताओ तो कुछ मालूम पड़े आप? अभी फर्क पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा एक दो बार बुलायो कहीं? हाँ एक बार बुलायो। अच्छा तो यूँ जावा जावा में कोई परेशानी तो नहीं आई रही? कहीं परेशानी, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठी नहीं रहा। तो वहाँ भीड़ है कि नहीं है? बार भीड़ तो है, वहाँ 100 मन खेल। अरे बाप रे, अरे कहीं बताओ तो कमर दर्द है क्या भाई? ठीक करी, ठीक करी नहीं, ठीक करी। अच्छा पहला दिन कुछ आराम नजर आयो? कुछ थोड़ा सन्नाटा हुई रहे, ठीक है। जब खून चालू हुई हो पर नस वर्ग बन जाएगा है ना, तो आप अगर मान लो अगर आप आराम मिले तो आप एक काम करो, दूसरा भी भेज लो, ठीक है। नहीं बोले काम करो, आप भार्गव जी
जालो को, जय श्री कृष्ण जालो। दोस्तों आज हम बनी गांव में आए हैं और ये बनी गांव में आज हमारे बालिका को दिखाने के लिए आए दोस्तों। और ये बनी गांव में अगर आप बाद साहब के पास जाना हो ना तो ये यहाँ से जाने का सरल तरीका दिखाता हूँ। ये एक सफ़ेद मकान आएगा, ये इस मकान के पास में एक ये रास्ता जाने का, ये पुल के पास में, ये यहाँ से इधर से राम राम साहब जय सियाराम, ये यहाँ से गुरुजी के गांव में जाने का, घर पर जाने का रास्ता, ये इधर से, ये यहाँ से। अब बनी गांव में हम आपको आज है ना और मरीजों से मिलाएंगे और उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे दोस्तों। और आपको ये सेवा का काम कैसा लगता है और हमने थोड़ी बहुत जो मेहनत करी है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए दोस्तों तो आप लाइक करना और कमेंट करना। और जो भी अच्छा बनेगा प्रोग्राम धार्मिक सेवाभावी का तो हम बराबर उसके लिए मेहनत करेंगे। अगर हमारी मेहनत से किसी का भला हो जाए तो मनुष्य जीवन हमारा सफल जब ही होगा, क्योंकि धन कमाने से धन बढ़ता और प्रेम कमाने से प्रेम बढ़ता और परमार्थ कमाने से परमात्मा मिलता। दोस्तों आज हम बनी गांव में आपको बादशाह के पास में लेके आए और हम आगे चलते हैं। तो बाहर गया है दोस्तों, हम इन बादशाह के पास में आए, रामगढ़ वाले सब आए। अब है ना आप देखते देखिए बादशाह क्या करते हैं यहाँ पे। बाप रे बाप, यहाँ तो मरीज बहुत है यार। एमडी हाँ। ए दोस्तों ये बनी गांव, आप कैसे गाँव दिया था? मैं बनी से आया। ये बनी, यही बनी? वो बनी एमपी, एमपी बनी। आपने मेरे को बिठाया वो उस बनी से आए, वो एमपी वाली नहीं, ये राजस्थान की। भाई साहब जय सियाराम जय से। आप कैसे गाँव दिया था? रामपुरा से। अच्छा, मैं नारायणगढ़ रहता हूँ। नारायणगढ़ बंसो जिले में, क्या बात। तो अभी आपका कोई बात बताया नहीं बताया? उदयपुर जाके आ गया। अच्छा नहीं, उदयपुर तो जाके आए मगर यहाँ कुछ बताया कि नहीं बताया? पहली बार आए। लो अभी आप चॉकलेट खाओ। ये अपने दुकान है जीतू भाई डीजे वाले की, राम मंदिर के सामने। ये अपने चैनल पे अपने बादशाह को बताया था, राम राम दादा बादशाह का बताया था। मैं दो तीन जने को लेके आया था तो मैंने उनसे पूछा कैसे क्या है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आराम है। तो मैंने कहा कि और कुछ खटाई बटाई, तो गुरुजी ने कहा था खटाई बटाई बंद कर देना। तो मैंने कहा यह बात भी सही है, आप कोई चीज़ परहेज करोगे तो आधी बीमारी तो परहेज से ठीक होती। जावेद भाई गोपाल जी के अंडे, जावेद भाई सलाम वालेकुम। गुरु जी कहाँ गए? अच्छा तो आप किसको लेके आए भाई साहब को? इनको लेके आया, कोटा से आए। अच्छा कोटा से वो मिल गए थे, वो अंकल जी कहाँ? हाँ ये अंकल जी। अच्छा तो आप इनको बिठा के लेके आए, तो आप इनको बिठा के वापस ले जाना। हाँ नहीं देखो कोई भी व्यक्ति हो नहीं तो अपने को कम मुनाफे में सेवा करो, ठीक है? नहीं ये लो आप, इन सब जितने बैठे ना उन सबको चॉकलेट बांट दो, इतनी सेवा करी नहीं। आप जावेद भाई हो, भगवान आपको है ना सुख शांति दे। हाँ नहीं हाँ ठीक है, अंकल जी से मिलते हैं, कोटा वाले अंकल जी। अंकल जी जय सिया राम। वाह साहब आपको हमारा चरण वंदन हो। बहुत बहुत आपका बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा है, बहुत बहुत दुखी आ रहे हैं। हाँ बहुत आराम मिल रहा है लोगों को। अच्छा तो आपको कुछ संतुष्टि हुई? हाँ संतुष्टि है ना। अच्छा तो आप कितने बजे निकले कोटा से? मैं तो 7 बजे की ट्रेन थी ना, सुबह 7 बजे की ट्रेन से निकले। तो अभी आपको बता दिया, बताना दिखा लिया एक बार थोड़ा और करवा लिया मैंने कहा। अच्छा वो गुरु जी चाय पीने के लिए गए। अच्छा वाह ठीक है साहब, बहुत बढ़िया रहा कि आपको अगर कुछ आराम मिला है तो आप एक दो मरतबा और भी आ जाना। बस घरवाली को ज्यादा दिक्कत था। अच्छा वो भी आया क्या आंटी जी? हाँ, उनको ही है ना। अच्छा आप भोजन कर लो, ठीक है। दोस्तों जय सिया राम भाई साहब, आप गुरुजी बनी है में आप आए तो अभी आपको बता दिया कि देखना। आप कौन से गाँव से आए? ऐसे तो रहने वाले इंदौर के हैं पर यहाँ पचपाड़ से आए। पचपाड़ से आए आप? हैं नवोदय विद्यालय स्कूल। नवोदय, अच्छा स्कूल के वहाँ से है। तो आप पहले कभी आए? आया था। तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? कंधे दुख रहा है। अच्छा अभी गुरुजी ने देखा नहीं? अभी उस दिन देख लिया था, आज फिर बुलाया था। दादा आप कैसे गाँव से आया? एरिया खेड़ी थी। अब तो देखे तो नहीं देखा ने मोड़क के पास में, यानी अभी गुरुजी ने अभी देखा नहीं? राम राम काका जी, आप कैसे गाँव से आया? सोयत कला। तो आप तो ऐसे अट्ठा कट्टा दिख रहे, आप कोई तकलीफ नहीं है? उठा नहीं रहे अरे पर बला में ये भाग खुले थे। अच्छा भगा को नहीं? अरे ये बात तो सही है, आदमी कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मार दी भगा को नहीं, मैं बूढ़ो नहीं हूँ। बंदा कतरो भी बूढ़ो नहीं वे, क्योंकि मन को मन असुई थे चंचल हरी को अपने खून जाम रही नहीं जो सही नहीं हुई भाई जो न्याय है गुरुजी पर। अच्छा अच्छा तो आप कैसे गाँव दिया? सोयत कला। आप भी सोयत कला थी भाई? आप ये सब घुटना का ही है? आप सबके सब घुटना के? अरे वाह भगवान यार, ये बीमारी कैसी चली है? सब ठीक हो जाएगा? अच्छा ठीक हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है। मैंने एक पहला एक वीडियो बनाया तो जो लोगों ने पसंद करे
वो जो नहीं आई सकिया तो वहाँ रास्ता बता दियो, अगर यहाँ कोई आदमी आने की इच्छा हुए तो सबसे बढ़िया सरल तरीको मैंने ये बतायो कि आप शामगढ़ रेलवे स्टेशन नहीं जाओ, रेलवे स्टेशन नहीं जाओ, शामगढ़ थी 25 किलोमीटर पड़े, कतरा 25 किलोमीटर ने राजस्थान थी या कुरावंती आओ तो यहीं भेज सके। एक मरतबार कोई व्यक्ति आगा ने मैंने अगर 10% 20% भाई साहब 25% फर्क लगे तो आप एक दो मरतबार और आओ और दूसरे को भी को ठीक है नहीं अपन के भैया सेवा का काम है तो वो आएगा अच्छी बात है, क्योंकि उनके अंदर गुरु जी कही है 10-20-25-50 रुपये अपनी श्रद्धा थी था तो ले। ये दोस्तों ये बनी गांव में आए, अब गुरु जी मेरे को ऐसा लग रहा है चाय पीने के लिए गए, अब इनका इंजन स्टार्ट हो जाएगा ना फिर आ जाएंगे। देखा दोस्तों कितने दुखी है भाई साहब, जब जाके बाहर गांव से यहाँ आए दुखी नहीं होते तो क्या लेने आते दोस्तों। भगवान इन भाई साहब को गुरु जी को स्वास्थ्य अच्छा रखे, इनको इनको लंबी आयु दे। हाँ यार बाकी में कहाँ से आप भाई साहब? आप उनेल से आए? अच्छा ये भाई साहब कैसे गाँव का दादा? चंदवासा का? अच्छा हाँ अच्छा ये कुल्ली सर गिर राम दोस्तों आज ये गुरुजी का आज देखो आज ये हम एक वीडियो और बना रहे हैं और इनके पेड़ की कुल्ली सरक गई है भाषा की। हाँ देखो खुद ही खड़े होके चलोगे आप? बिलो रखो ये हो गया काम ये कैसे करे और दे दे कुल्ली के यहाँ पकड़ो लादो ना पेड़ों करने लाओ एक नशे कुल्ले लाओ 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 और एक दो इबे फिर लंबो करो अब आज फ्री हो गया एक कड़ी में मोचे ना गए आधा हल्की दबा खवा के हैं अच्छा जा मोचे राम राम भाई ये पाटो बांधा भी नहीं आ गए एक बार लगाना भी आवे नहीं ये चंदवासा से आया दोस्तों आज बासा के पैर की कुल्ली सरक गई, अब इन्होंने बिठाया इन्होंने कहा एक दो मरतबार और आना तो धीरे 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 देखो काका जी वहाँ अब देखो जिसपे मुसीबत आती है ना दोस्तों वही आदमी दर दर भटकता है। अब गुरुजी को देखो आज गुरुजी के पहले इनके दाढ़ी थी, अब इनके घर में कुछ शांत हो गए थे इसलिए इन्होंने दाढ़ी वाढ़ी कटा रखी, इसलिए पहचान भी नहीं आया दोस्तों आपको। आज गुरुजी ने कई पेशेंट देखे और ये पेशेंट भी बैठे हुए देखो दोस्तों, कोई कोटा से आए हुए हैं, कोई दूर दूर से आए हुए हैं, कोई रावतबाटा की तरफ से आए, अब दूर दूर के आए दोस्तों, अब लग रहे हैं सेवा कर रहे हैं गुरुजी, ये सेवा करने में लग रहे हैं। जय सी आराम जय सी आराम। आई वजन कम देना बस कुल्ली आड़ी वजन कम देना चार दिन बाद फिर होता है एक बार थोड़ा सा और कर दो। हाँ भाई आ जाओ। कहाँ से आया भाई साहब? मैं नारायणगढ़ मंसूर जिले से। मंसूर नारायणगढ़ जिले से आया तो आपके कोई प्रॉब्लम? मेरे सर्वाइकल की दिक्कत। अच्छा अब देखो गुरुजी के यहाँ ना अब मेरे को ऐसा लग रहा है घंटा भर और लगेगा, बहुत भीड़ है आज, बहुत भीड़ आज रविवार के दिन है तो मैं तो गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि आसपास ये कहीं चले जाते हैं 12 बजे बाद है तो इनको कहीं जाना नहीं चाहिए, गुरुजी को यही रहना चाहिए। वारे मेरे प्रभु योड़ा
हाथ लंबा करो, ये पकड़ के जाओ, यो 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 हाथ पकड़ के जाओ, थोड़ी बहुत बैठ के जा ले कुछ लगे आते बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा बार पहले आएगी मतलब हां ठीक है बहुत अच्छा है। कट्टी भी लाया तो बनाया है पहला भी लेने आया था। अच्छा भैया भी लाओगे अंडे? अरे ये बहुत बढ़िया दादा जी आ अब देखो ये भाई साहब को देखते रहे इनके पुल्ली उल्ली के नहीं ये गुरु जी जतरा मरीज यहाँ है ने अंतिम तीन गुना मरीज बाहर भी बैठा था आप इन्हें एक दो चेला और रखी लो ताकि भी शीश चलेगा नहीं तो सब हमारे लेगा कोई आदमी परेशान रहेगा नहीं तो भी उन्हें की सेवा भी बच जाएगा। लोग बहुत दूर दूर से रहने बोलो कहीं जाओ गुरु जी ये कहीं रहा के बाहर सब बैठा था दो घंटा थी हाँ ये हाँ सही रहेगा ये नहीं बहुत परेशान हो रहे दूर से अब वो क्या बचा है ना वो उधर ही बैठे इधर से जो आ रहे ना वो अंदर आ रहे वो जो पहले के बैठे वो वहीं बैठे ना आप वहीं ले लो एक बार बैठे वो 100 किलोमीटर दूर से हूँ बस आपने कुछ बोला तो गुरुजी दिमाग में रहेगी ना वही तो ना वो उधर से जो सुबह से बैठे वही तो कह रहा हूँ अपन वहाँ से बैठे अभी इधर आ रहे जो बुलाने गए होंगे ये सोच के ये बात भी सही है सब यहाँ जाएंगे तो फिर वो वहाँ के बैठे हुए वहाँ बैठे जो तो बैठे उनको कितनी परेशानी आ रही है बात भी सही है बाद में आए जो इधर आ रहे सीधे आइए तो बन चॉकलेट खाओ ये लो मेरे सांवरिया से लो भाई आपका जगह होती आया शामगढ़ थी अरे फिर तो शामगढ़ को ज्यादा दूर नहीं ये भी कोटा का नहीं आया नहीं मना के थोड़ा घबरी रहा वो ऑटो करके आए वो ऑटो करके आया ना तो ऑटो वाला भी घबरा रहा कि मैं कब जाऊँ अब वो भी बुजुर्ग आदमी है अब एक शिष्य को आपका जगह होती आया काका जी नीमच से अच्छा तो आपके नीमच में आप आपके कहीं हूँ प्रॉब्लम कहीं है ये साइड में दुख रहा है। अच्छा पहला भी आया वहीं पे ले लो चलो गुरु जी मेहरबानी कर लो आप हाँ आया अच्छा आप पहले भी आया अभी अच्छा पहले कुछ पहले आराम हुआ तो एक दो मरते बार में और लगेगा आपको हाँ ये बात भी सही है बिल्कुल सही बात की वाह वाह दोस्तों आज ये जावेद भाई ड्राइवर साहब है ये ना बहुत ईमानदारी से सेवा भावी से ये यहाँ पे मरीज को लेके आए अंकल जी जय सियाराम। जय सियाराम। अब आप आए तो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा आप तो यूँ जाने में कोई परेशानी तो नहीं है इतनी? आप कौन से गांव से आए? कोटा से आए। कोटा से आए आंटी जी आपको भी कुछ आराम है है नहीं? और बुलाया उन्होंने वापिस आ जाओ तो अच्छी बात है। आप कौन से गांव से आए? कोटा से। अच्छा बात है आपको अच्छा लगे और कोई भेजना। दोस्तों ये जावेद भाई इनका मोबाइल नंबर ये है और ये जब भी आप इनको याद करोगे ये ऑटो लेके आएंगे और सेवा करेंगे बस आप ठीक है जावेद भाई आप बराबर सेवा करते रहो मालिक आपका ना बुढ़ापा अच्छा रखेगा ठीक है आंटी जी क्या लगो। दोस्तों आज ये ऑटो से करके आए इन्हें 600 रुपये लिए 600 रुपये में सेवा करी इन्होंने बहुत बढ़िया देख लो यार मालिश कर ठीक है लो भैया क्या गिर गई ले लेना तो आंटी चढ़ मरी है साइड में ये जाएगा हां बाबा आयो आप लोग भी गेज दो ये लो गेंद चढ़ेगा ये आई के बाजी के भी चढ़ेगा
अरे कभी मालिश कर लेंगे। अरे कुछ भी नहीं, वो तो खाली देख रहे हैं यार, देखेंगे तो कुछ भी देखेंगे, वो तो खाली हाथ लगा के देखेंगे आपको। वो खाली को पता यहाँ लगी थी मेरी, तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं के नाश्ते पे, रोटी चॉकलेट भी देते हैं वो। यार मालिश करनी है। अरे तो बहुत देख रहे हैं, छोटे बच्चे को लो घुटना की बीमारी घनी लोग ये बताओ 2017 की गोली दवाई चल रही है, 5 साल हुई है ये, कई हां 5 साल हुई है के चू जाय जाय काई में झटका मत, यूं मालिश करनी भाई दोई के बता दे तो नाड़ फर्क पड़ जाए, दूरा कर बंद काई करू ना, तो हां दूधा खेर माता जी काई करू, दवाएं चल रही है, डॉक्टर की चल रही है, मतलब अरे लो के मिल जाए थोड़ा बहुत बेस बेस भैया मालिश करने के तुली मालिश करो सबके दिखा चली गया, घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पहले उम्र सबसे हाँ अभी तो पेशेंट ज्यादा है घुटने के नजर बिना उम्र के भी और क्या तो बीमारी खान पान का कमजोर सबसे बड़े ना ये पानी पत्ता पानी पत्ता भेड़ पकड़ने खाते ना अपनी मतलब खारी
यहां तो बेटा अरे हां तो सही यहां तो हाथ के सो भाई ये सो के जो खेचो बेसी एक गुरु जी के 15 दिन में आप कैसे कहाँ आया था हेमड़ा हेमड़ा अच्छा पहला भी आ गया पहली बार आए चार बार आ गए अब आके प्रॉब्लम है आपके घुटने का है ना अब देखो अभी लाभ से लगी आधा घंटा के करीबन और है तो मैं घरती भी लेने आया मैं बालिका भी लेने आया ना चार बार आए बड़े काम हाँ ठीक है और सेवा है ना के ना जन के साधन नहीं है देखी लोई जाऊँ ओ बाप रे प्रसन्न हो चुके पहले वो भी आते हैं हड्डियों के मान लो पहले प्रसन्न हो गए ना अच्छा वो भी आते हैं हाँ हाँ ठीक है देखो ना उनको जाओ हाँ बैठो 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 हाँ ये भाषा में कई गुरु जी ये ट्रैक्टर में डची का कई कई नया भाई वो तो मिल तो जाएगी पर लेट हो जाते फिर क्या साथ तेरा दिखा मेरी फिक्र मत कर मैं तो बाद में भी आसूं पहले तेरा काम नहीं था बाद में अरे तू आते नहीं नहीं यार दुख रहा हूँ इनके कैसे पाऊं अब तो पहन ले भी अभी तो पहन ले अभी मतलब खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ बाबा अब अच्छे कर दे बाबा ने बाबा अच्छे कर दे खड़ा जाओ अरे हाँ बैठ 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 ये 17 दिन बाद में बताना फिर भाई है ना हाँ तीन चार दिन में भाई भाई मैं तीन चार दिन में बता दूँ भाई चौथे दिन हमारे भिड़ाओ के मुसलमान बता आपको बता और बाबा भगवान ने तो कर दिया गुरु के 20 साल से तजुर्बा 20 साल से इन गुरु जी को तजुर्बा है ना तो ये तजुर्बे से करते हैं डॉक्टर क्या एम आर आई ने ये सब करा करी कर लेना उसको समझ में अरे हाथ की हड्डी दुखे संगीत को काम करूँ गाना बजाने काम करूँगा हमारे ये बजे तबला टूबला जो हाथ दुखे पकड़ते पकड़ते ये तपले बजाते अंकल जी अब देखो इनकी हड्डी देखो अब ये हाथ ठीक करा के भी तपला बजाएंगे ये पीड़ावा से आए देखो इनकी हिम्मत बड़ी जोरदार है अंकल लो हाथ पकड़ दो थोड़ी गो याद गरोड के शारदा सुन में सिखाता हूँ बच्चों को हे उमर के गुरु जी देखिए कितना 10 मिनट में गुरु जी ने 5-7 आदमी को मरीज को फटाफाखे में
ये हमारा अंकल जी आए। अंकल जी आप कौन से गांव से आए थे? मैं पिड़ाव रहता हूँ। हमारे साथ पिड़ावा। अच्छा, ये आंटी जी आपके साथ में काम करता हूँ मैं। अच्छा पिड़ावा। अच्छा नाम चलता है आपके, आप बड़ा बड़ा आशीर्वाद। अच्छा, मेरे खानदान का धंधा संगीत का। संगीत का? तो आपके हाथ में क्या प्रॉब्लम था? मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा 5-6 महीने से दर्द करता है। हाँ, जब तबला थोड़ा बजा जाता हूँ तो दर्द करता है। आप देख रहे थे कैसे क्या हुआ? मैं बजाऊंगा जब देखूंगा। बजाऊंगा जब। हाँ बजाऊंगा जब। हाँ हाँ आप चलिए चलिए देखो। हाँ हाँ चाली ना देखो। कट कट हुई ना सा बोली नहीं। हाँ ये चाली बताओ देखा। हाँ ये अभी आराम है। ये कुछ लगना भी चाहिए था नहीं। हाँ है भाई। हाँ 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 ये नहीं राम राम प्रकाश जी। इनको देख लो फिर हम खा देते हैं। भाई आप भी दिखा लो। ये बनी गांव शामगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है और शामगढ़ रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर पड़ता है। ये सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक देखते हैं, मगर आज क्या कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी रविवार के दिन, तो आज पेशेंट बहुत आए थे। कोई उदयपुर से आया, कोई नीमच से आया, कोई कोटा से आए। अब देख रहे हैं गुरुजी, अब गुरुजी मेहनत तो कर रहे हैं, अब मेहनत का फल अगर इनको दिन दुखियों को अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि इन गुरुजी में भी हिम्मत बनी रहे और ये सेवा करते रहे, और सेवा का फल बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मरवा भी है ना खुले की ना भी है ये दो पैर हंडे के जो की जो वो हाथ की जो जा लो आओ ये खिंचाओ यार। हां आए हाथ के हाथ की मत के चाहिए। हां पकड़ लो भाई, तो पकड़ लो हाथ की। हां नहीं तो पाछे ही जगह सीधा सीधा भाई सीधा। हां देखो जो हां क्योंकि मैंने हां जो बिना झटका दिया बस बस ये वो पकड़ो छोड़ दो मैंने पकड़ा पकड़ो उड़ाओ था मैंने ये पकड़ो के जो थोड़ी अब आप यहीं खड़ा हो, हाथ खिंचवाते हैं यहीं जरूर आप। हाँ ये क्योंकि थोड़ा बहुत मुंह भी सीख गए, थोड़ा बहुत अपन भी सीख गए। आइए नहीं वो तो अनुभव है गुरुजी को अनुभव। अरे यहाँ दादा आप थोड़ी मेहनत आप भी कर लो यार, बल्ले को काम आप भी कर लो। हाँ आपने दम भी अच्छे है नहीं। दम तो आना में ज्यादा कर दो रे। यार आयो बैठो बैठो पीछे नहीं। अरे बस
ये तू गेसो बस और अभी पानी मालिश कर लीजिए रे ये क्यों ऐसा नहीं यहां कमर में दर्द हो और ये भी चट्टी मुझे पड़ा ये यहां नस्ता है काका जी यूं कहते जाओ जो पहला आया नहीं भी आ गया जाओ ना बाद वाला आराम से बेचते ही कौन बेटा पहला ही ये मारा नो बजे गया नस्ता यार ये नस्ता ती पास है कोई तरह मुझे है लो हाथ लाओ ना जो देर से आता बेटिया ने भैया बेटो का देखे मरी भैया हाँ भैया आंगड़ी सब कुंडी सब बके बेचा सही है बात पकड़ो भाई साहब गर्दन की बता रहे थे आप ही देखे आप देखो ये मन ये कमर की है ऊपर थोड़ा और ऊपर देख लेना तो ये गांव दिया हां वालो हाथ ले जाओ भाई देख लेंगे वाले वहां घुटना तक दूसरी तो जोड़ सीधा ले जाओ सीधा लो लो लोगे इसको करना लो भाई लो हाथ लो वाले वालो हाथ लो सीधो सीधो हां जैसे खींचो जैसे जैसे पकड़ा गेसो ही गंदे कमर की नट्टी है ना गेसो गेसो बस यस यू मालिश करना हमारा वो जो बेटा हम के भी यही मिट्टी तो मान के वो तो हाथ दर्द हो और सुनो जलन रही हां यार दूसरा तो मैं बैठ के नहीं किया पड़े ना चले रात रात से ना जो हाँ ये सब बढ़िया चतुर बेटियों ने तू भी क्या नहीं थी धीरे धीरे को मालिश करनी भाई अंकल मुझे बता दे यूँ मालिश करनी अंकल बस हाँ ये बताया नहीं बैठे मना अब तो आज के जी ड्यूटी लगानी पड़ेगी हाँ पहले माँ ने बेटी का हाथ खींचा बेटी ने माँ का हाथ खींचे ऊपर तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत बस
टांग भी देख लो, टांग में भी चला भाई दोस्तों, ये बनी गांव में हम आपको यहां का वीडियो बता रहे हैं। दोस्तों आज यहां पे रविवार का दिन है, ये से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक रहते हैं। आज क्या के भीड़ बहुत है, दिन दुखी लोग बहुत आए हुए दूर दूर से, तो आज ये गुरुजी रुक गए हैं, कहीं गए नहीं। और हम भी गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि आप यहीं रहा करो, 12 बजे बाद कहीं मत जाया करो। दोस्तों बनी जाने के लिए आपको दो रास्ते बताता हूँ आपको, एक भानी मंडी राजस्थान से ढग रोड पे आपको आना, और बीच में करावन गांव है, करावन गांव के पास में बनी गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, आप वहां भी आ सकते हो। और शामगढ़ से 25 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन से, आप वहां से भी आ सकते हो। और ये सुबह गुरुजी 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों आज ये मरीज़ की संख्या बहुत, दिन दुखी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, और कई कोटा से आए, कोई नीमच से आए, कोई शामगढ़ के पास से आए, अब दुखी है इसलिए आए। यहाँ कोई यहाँ मांडा मौसर तो है नहीं जो कोई आवे से, सब दिन दुखी है, सब एक से एक परेशान है। आप कहाँ से आए थे आवाज़ आप? सुषनेर के पास से आया। तो आप बताते बताना वाह ठीक अनुवाद, आप जाकेट खाओ, ये लो मेरे प्रभु। आहा क्या बात है, आप तो ऐसे लागी डा के बीमार को नहीं, ऐसे खुश नजर आई रखे भी आपने, ये आपका तो चेहरा दिखा रहा है, जो आदमी तकलीफ में बैठे तो कोई चेहरा अलग रहे, ये क्या नहीं है। चलो वह आज कल ये ठीक है दोस्तों, अब ये आज का वीडियो बहुत है। क्या भाई किसे मिल संकर आई यहां की तो छोरी आई थी अपने यहां ट्यूशन पढ़वाने ऊपर।